का उल्लंघन करके जो लोग रिक्शा लेकर निकले वो यहाँ पे जब्त कर लिए गए पुलिस की तरफ से। लेकिन एक तरफ ये मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से और पुलिस प्रशासन से कि आप सख्ती करिए, ऐसा कीजिए कि निकले ही नहीं लोग। और एक कदम आपने उठाया है, बेहतरीन काम किया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा कीजिए कि इन गरीबों की रोजी रोटी का कुछ हो जाए। और लोग जो यहाँ पर आस में खड़े हुए हैं, आप उन्हें वार्निंग देकर या एक सख्त कदम उठाकर उन पर छोड़िए। लेकिन बराए मेहरबानी, ये लोगों में एक शिकायत हो रही है पुलिस प्रशासन को लेकर कि उनकी रोजी रोटी दबाई जा रही है। कानून का पालन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं रिक्शे वालों और उन सभी लोगों से पूरी अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी आप पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए, क्योंकि ये अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जान पर खेल कर ये आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपकी हिफाजत में लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए कि कानून का उल्लंघन ना होने पाए, क्योंकि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में कोरोना के। तो इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन किस लिए रखा गया है, इसकी कुछ खास वजह है। यह किसी वजह इसलिए नहीं रखा गया है कि आपको तकलीफ हो, इसीलिए रखा गया है कि आपकी हिफाजत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।